असल में दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद करता हूँ। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक देसी रोज़ पे है। तो मेरे पास देसी रोज़ के प्लांट हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि मेरे पास देसी रोज़ के प्लांट हैं। तो एक्चुअली मेरे पास देसी रोज़ है, मैं इसकी वीडियो कम बनाता हूँ। तो ये मेरा देसी रोज़ है जिसको मैंने स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, आपको दिखाता हूँ। काफ़ी पुराना हो गया ये, तो अब इस पर ये देखो फूल लगी, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। बहुत वो हो गया था, उल्टा पुल्टा ग्रो करता है ये। पूरी कनोपी गोल कनोपी नहीं बनाता, फॉर एग्जाम्पल जैसी इसकी बनी हुई है ना गोल, पूरी देख रहे हैं पूरा गोल चक्कर बना, ये ऐसे नहीं बनाता। इसलिए कोई टहनी बड़ी हो जाती है और कोई बेगम तरीके से बढ़ती है। तो मैंने इसको काफ़ी काट दिया था यार, देख रहे हैं मोटी मोटी इसकी टहनियाँ काट दी थी। इसको गोल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसी वैरायटी नहीं है जो गोल बन सके। एक तो इसकी टहनी में जान कम होती है, और दूसरा ये है शायद ये जितना पुराना होता जाए इसकी जान बढ़ती जाए। लेकिन जो मैंने उसका देखा है तो वो बड़ा प्यारी बनती है। कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो बड़ी प्यारी वो बनाते हैं ना स्टैंडर्ड अपने आप को, जैसे ये है। ये प्लांट तो बहुत प्यारे है, देखो कितना फूलों से भरा हुआ है, लेकिन ये अपने आप को अच्छा स्टैंडर्ड नहीं बना सकता। ये बेल की तरह ग्रो करता है, इसको मैंने बनाया हुआ स्टैंडर्ड, ये भी स्टैंडर्ड है। ये मार्केट से लाया था कई साल पहले, 3 साल हो गए हैं। तो ये देखो इसकी, इसने इस साइड सूख भी गया है वो ना, इसका एक ही ग्राफ इस साइड पर रहा, इसका एक ही ग्राफ रहा है, बाकी इस साइड सूख गई। शायद इस दफ़ा ये निकाली, इसकी एक टहनी थी तो उसी से मैंने इसकी कनोपी बनाई हुई है। लेकिन बहुत फूल लगते हैं, बहुत ज़्यादा फूल लगते हैं। मैंने इसकी कटिंग लगाई तो थी, मुझे नहीं पता अब सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा फूल इसी पे लगते हैं। पूरी बेल है, देखिए इसकी पत्तियाँ कैसे गिरी हुई हैं नीचे। ये भी वही है, ये भी वैसे ही ग्रो करती है। अभी तो इसको मैंने काटा था इसकी टहनियाँ, तो ये स्टैंडर्ड के लिए नहीं है। लेकिन उन्होंने इस तरह से बनाई हुई है कि ना, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं होते जो ग्राफ्टिंग करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई किस पर ज़्यादा फूल आते हैं तो उसी की ग्राफ्टिंग कर देते हैं। अभी इस पर ज़्यादा फूल आते थे तो उन्होंने इस पर काट दी, इस पर बहुत फूल आता है तो इसकी ग्राफ्टिंग काट दी। लेकिन ये ग्राफ्टिंग के लिए नहीं बने हुए, बिलीव मी, तो ना ही ये उसके लिए बना हुआ। ग्राफ्टिंग कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड के लिए नहीं बने। तो ये देखिए अभी इसे फूल तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कटाई करनी पड़ेगी। हाँ, अगर ज़मीन में लगा हुआ है, काफ़ी हेल्दी प्लांट है, तो फिर आप उसको, मैं कह नहीं सकता कि अच्छा ये बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा बन पाएगा। हाँ, अगर इसके ऊपर काट दें, इसकी भी करते हैं एक्चुअली में ना, ये भर के बनता है, ये जो ब्लैक टाइगर नहीं होता, ये भर के वो बनता है। अगर इसके ऊपर ग्राफ्टिंग काट दो ना तो ये अच्छा लगेगा। इसके नीचे ग्राफ्टिंग हुई हुई थी किसी, इसकी हुई हुई थी, ये इसके ये हुई हुई थी, ये मैंने काट दी। दो ग्राफ्ट होते हैं, एक ऊपर करते हैं नीचे करते हैं। ऊपर का सक्सेसफुल कभी कभी नहीं होता, तो वो नीचे से यहाँ से काट के नीचे वाला बेच देते हैं ताकि उनकी मेहनत ज़ाया ना हो। तो ये बात होगी स्टैंडर्ड की कि ये स्टैंडर्ड बन सकता नहीं बन सकता। मैं कहूँगा ये स्टैंडर्ड नहीं बन सकता, अच्छी शक्ल नहीं बनाता, बन तो जाएगा, बन तो पड़ा। ये देखो ये स्टैंडर्ड ही बना पड़े, हर तक से ब्रांच निकली पड़े, लेकिन अच्छी शक्ल नहीं बनाते। देखो कैसे एक टहनी मोटी हो गई है, कोई बारीक है, अच्छी शक्ल नहीं बना रहा। तो एक बात ये होगी, दूसरा ये है कि ये फूल बहुत अच्छे देता है, इसके फूल बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत खुशबू होती है। मेरे मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे मुँह में आ रही खुशबू, इतनी खुशबू है इसकी। हालांकि ये बड़े बड़े खिले पड़े हैं, देखिए इसकी नस्बत इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है, हालांकि वो भी खुशबू वाला है जो अभी आपको दिखाया ना ये वाला, लेकिन इसकी खुशबू ज़्यादा है, ये देसी है। तो इस पर फूल ये देखिए ये लगे हुए हैं, अभी मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तो इस पर ये देखो फूल लगे हैं, तो काफ़ी फूल हैं इसका। एक्चुअली ना फूल ये भरता क्यों नहीं है, भर भी जाता है जहाँ पर बहुत पुराने पुराने प्लांट देखे पूरे भरे होते हैं, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं भरता, क्योंकि इसका फूल एक दिन से ज़्यादा टिकता नहीं, 1 से 2 दिन टिकता है। ये कल ना परसों गीला था, आज ये जा रहा है, देख रहे हो। तो इसके पेटल फ्रेश होती हैं, खुशबू आप इसको ना तोड़ के ना अपने कमरे में रख सकते हैं, तो पूरा कमरा आपका भर जाएगा। पानी में डाल के रख दो तो फिर ज़्यादा देर तक ये ज़िंदा रहेगा, अदरवाइज ये प्लांट के साथ ज़्यादा अरसे तक ना नहीं बना रहता। तो इसमें ना काफ़ी वैरायटीज़ होती हैं, 3 वैरायटीज़ होती हैं मेरे ख्याल में। एक वो होती है जिसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फूल काफ़ी बड़ा होता है, घना फूल होता है, जैसे ये फूल है ना ऐसे घना फूल होगा, वो उसकी खुशबू भी ज़्यादा होगी क्योंकि पेटल ज़्यादा है, लेकिन उसमें फूल कम लगते हैं। अभी इस पर गुच्छों के खुशबू में फूल लगते हैं, तो ये वाली वैरायटी ज़्यादा आम होगी क्योंकि ना उन्होंने इसकी ग्राफ्टिंग ज़्यादा की। तो ये आम होगी, वो बिल्कुल ना पैदा होगी, वो कहीं नहीं दिखती मुझे अब ना। तो एक वो होती है, एक और वैरायटी भी होती है मेरे ख्याल में, वो जंगली टाइप की होती है, वो भी बहुत कम आती है। तो सबसे ज़्यादा फूल इसी वैरायटी पे लगते हैं, वो मेरे ख्याल में पिंक होती है, वो रेड नहीं होती, जो तीसरी वैरायटी होती है ना, दूसरी रेड होती है, वो पूरा बड़ा फूल होता है, तीसरी पिंक टाइप की होती है। वो मिलती है कहीं कहीं से, लेकिन ना मैंने इतना नहीं देखा, एक नसीब दिखी थी मैंने, तो वो भी देसी ही होती है। तो इंडिया में इसको मेरे ख्याल में कश्मीरी रोज़ कहते हैं, यहाँ पर इसको देसी रोज़ कहते हैं। खुशबू उसकी लाजवाब होती है, धूप इसे पसंद है। ये कब तक फ्लावरिंग करता है, मैंने ऐसे देखा है कि जो बड़े बड़े प्लांट हैं ज़मीन में लगे हैं, जिनके इतने मोटे मोटे तने हो गए, कैसे इतने मोटे मोटे, तो उन पर सारा साल फूल लगते हैं। लेकिन मेरे वाले पे, मेरे किसी प्लांट पे ना सारा साल फूल नहीं लगते, सिवाय कुछ को छोड़ के। आपको दिखाता हूँ कि
ये जो ये है ये सारा साल फूल देता है। एक बेल है जिसकी मैंने कल वीडियो भी बनाई थी, वो सारा साल फूल देती है। तो ये दो प्लांट ऐसे हैं जो फूल देते रहते हैं गर्मी में भी, क्योंकि मैंने मेरा ना यहाँ स्ट्रेस बहुत आ जाता है पौधों पे ना गर्मी में, जैसे ही मौसम थोड़ा ठंडा होता है। तो ये देखिए कितने रंग बिरंगे फूल खिले पड़े, ये देखिए वो पजाजो खिला पड़ा है इतना मोटा सा, इस पर देखो कितने फूल लगे पड़े हैं। ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसकी मैंने कटिंग लगाई है और लग भी गई है ना। और ये देखो ये न्यू कलर, ये पहले साल में मैं ग्रो ही नहीं कर रहा था, अब इतने सारे फूल निकाले हैं इसने, देखो पूरा भरा पड़ा फूलों से। ये येलो की ब्रांच आ गई अंदर इसकी, अब ये देखो इस पर भी कितने फूल है, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ, ये निकल रहा, ये पूरा गुच्छा निकल रहा। एक ही प्लांट है, मैं हिला रहा हूँ ना, ये देखे ना, तो ये एक ही प्लांट है और ये वाला एक ही प्लांट है। इसका भी बहुत प्यारा फूल है, बड़ा फूल है। तो देसी की बात करते हैं, देसी को खाद कैसे पसंद है, इसको इन्हीं की तरह की खाद पसंद है, सेम केयर है, जो इसकी केयर है वो इसकी केयर है। कुछ लोग कहते हैं कि ना ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड ही होता है, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा हार्ड ही है, मुझे तो ये भी ज़्यादा हार्ड ही लगते हैं। बस ये है कि ना इसके ना पत्तों पे ना थ्रिप्स का अटैक कम होता है, इसके पत्ते मुड़ते कम है, मैंने बहुत कम देखे हैं कि इसके पत्ते मुड़े हों। तो ये ना उनके खिलाफ ना शायद ना डिजीज रेजिस्टेंट है, तो इसी वजह से कहते हैं कि ये नहीं मरता, वो है प्लांट लेकिन ना है उन्हीं की तरह, कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं है। अब ये देखो ये वैरायटी है कौन सी, ये वाली वैरायटी, इस पर थ्रिप्स का बहुत अटैक होता है, हद से ज़्यादा अटैक होता है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इसके नए पत्तों पर थ्रिप्स का अटैक हुआ, मैंने नहीं नोट किया कभी ना कि इसके नए पत्तों पर थ्रिप्स का अटैक हुआ, पत्ते मोड़े हों इसके ना नए पत्ते, तो इस लिहाज से ये ज़रा अच्छा। लेकिन इसके पे कीड़े पड़ते हैं, उसको कीड़ा पड़ेगा तो इसको भी पड़ेगा, हाँ, लेकिन शायद अकेला रखो तो फिर शायद ना पड़े। पानी उतना ही मांगता है कि सोइल ज़्यादा ड्राई नहीं होने देनी, आजकल मैं इनकी सोइल ज़्यादा ड्राई कर रहा हूँ, लेकिन आपने इसको साथ नम हालत में रखना है। मैं इनको आदत बताई है कि मैं एक हफ़्ते बाद ही पानी दूंगा, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, मैंने शेड्यूल बनाया हुआ है। अब ये देखो ये कितना प्यारा है। अच्छा हाँ, एक और बात, लोग इसको कट फ्लावर कहते हैं क्योंकि इसके हार बनते हैं ना, लेकिन ये कट फ्लावर नहीं है, कट फ्लावर है ये, कट फ्लावर वो होता है जो एक टहनी पे एक हो और ऐसा फूल, ये है असल कट फ्लावर, हाइब्रिड टी होता है जो, उसको कट फ्लावर कहते हैं। तो ये भी गलत फ्लावर है कि कट फ्लावर कह रहे होते हैं। तो ये है कट फ्लावर, ये देखो इस पर देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगे पड़े हैं, ये ऐसे जब ये खिल जाते अनखिला होना पड़ गया, मैं इसको यहाँ से तोड़ लूँ तो फिर ये देखो क्या कमाल लगता है। तो ये कट फ्लावर नहीं है भाई, इसके से बस हार बनाते हैं, लेकिन ये कट फ्लावर नहीं है। तो DAP इसको पसंद है, कंपोस्ट भी इसको पसंद है, जो चीज़ दो के पसंद है, इसको चाय की पत्ती भी पसंद है, चाय की पत्ती भी इसको बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपके पास ना DAP है ना कंपोस्ट है तो आप चाय की पत्ती डाल सकते हो इसको, लेकिन दूध निकाल देना। तो चाय की पत्ती डालोगे रोज़ डालो, मैं तो कहता हूँ ऊपर डालते जाओ तो बड़ा अच्छा ग्रो करेगा। केले डालते जाओ, केले के छिलके ना सुखा के ना वो डालो इसको, वो बहुत अच्छे इफेक्ट करते हैं। तो चलिए यही थी एक छोटी सी वीडियो, धूप इसको फूल दो, पानी मैंने आपको बता दिया और बाकी चीज़ें बता दी। तो वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।